सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज जो चर्चा है वो थोड़ी सी सुखद इसलिए है कि संसार भर में एक सकारात्मक पहल दिखाई दे रही है। लोग इस्लाम के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में बातें कर रहे हैं, और जो अति उत्साही हैं उन्होंने कुरान को जलाना शुरू कर दिया है और कुरान को फाड़ना पब्लिकली शुरू कर दिया। प्राइवेटली तो हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में भी आपको ध्यान होगा कि कुछ वर्ष पहले जब वहां के जो गटर हैं उनकी सफाई की जा रही थी तो वहां पर बहुत सारी कुरान निकली थी। लेकिन अभी जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्यतः यूरोप के बारे में है, जहां पर के कुरान को जलाया जा रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर लें तो ये है, ये सज्जन स्वीडन के हैं, वहां पर स्टॉकहोम शहर में आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में कुरान है जिसे इन्होंने पब्लिकली जलाया है। और दूसरे हैं, ये जर्मनी की एक संस्था है, पेगीडा कहते हैं, PEGIDA, जर्मन शब्दावली है इसकी जो फुल फॉर्म है। लेकिन ये जो संस्था बनी है ये मुख्यतः इस्लाम की वास्तविकता बताने के लिए और इस्लाम गैर मुसलमानों के बारे में क्या कहता है उसको बताने के लिए है। और ये जो उनका एक व्यक्ति है एडविन नाम का, ये पब्लिकली कुरान को फाड़ रहा है। अब ये जलाना चाहिए या फाड़ना चाहिए, इनकी क्या अपना सिंबोलिज्म है, क्या इसकी आवश्यकता है, उस पे सबके मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि हमने तो देखा है कि हमारे देश में छोटे मोटे पॉलिटिशियन भी, और आजकल कई ऐसे हैं जिन्हें विचारक मान लिया जाता है, उन्होंने भी किताबें जलाई हैं। विशेष रूप से अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर सर्कल है जिनमें फैशन है कि मनुस्मृति को बुरा समझते हैं, हम इसलिए उसे जलाएं। आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मक्कार हैं जिनका कहना है कि रामचरितमानस जो है वो भी किसी तरह से द्वेष फैलाती है, इसलिए इसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो दोगले हैं इनमें कुरान के बारे में, उसमें जो नफरत सिखाई जाती है उसके बारे में बात करने का साहस नहीं होता। इसलिए अच्छा लगता है जब कम से कम विदेश में, यूरोप में ही सही, कुछ लोग इस पे मुखर हुए हैं कि पब्लिकली उन्होंने साहस किया कि हम इसको जलाएंगे, हम इसको फाड़ेंगे। अब आज जो मैं आपसे मुख्यतः बात करूंगा वो ये है कि इसको किस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है, किस तरह से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, और या उनके जो अपोलोजिस्ट हैं जो इस्लाम से सहानुभूति रखते हैं उनके द्वारा। और वैसे तो बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन मैं मुख्यतः कुछ हमारे देश के और कुछ पाकिस्तान के प्रतिक्रियाएं लेने वाला हूं। जैसे पहली ये है शाहिद अफरीदी की, द कुरान इज ग्लोरियस, द वेरी बुक दैट टीचेज अस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, प्रमोटिंग एंड शोकेसिंग ऑफ बर्निंग द कुरान इज अ शेमलेस एक्ट, आई स्ट्रांगली कंडेम एंड स्टैंड अगेंस्ट इट, इस्लामोफोबिक एक्ट्स आर नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इतने से शब्दों में कितना झूठ और कितनी मक्कारी है वो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज कि कुरान ग्लोरियस है, उसके लिए ग्लोरियस हो सकती है जिसे ये दूसरों की महिलाएं लूटने का हक दे रही है, उसके लिए ग्लोरियस हो सकती है जिसे ये कहती है कि तुझे जब तू जन्नत में आएगा तो तेरा अल्लाह तुझे वहां लौंडियां पेश करेगा, 132 फुट लंबी हूरें पेश करेगा, उसके लिए तो ग्लोरियस हो सकती है। लेकिन हम आप जैसे जो गैर मुसलमान है उनके लिए कहीं से ग्लोरियस हो सकती। लेकिन आगे इनकी मक्कारी ज्यादा चलती है, जहां बताते हैं टॉलरेंस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, कि कुरान इनको बाकी मजहबों को टॉलरेट करना सिखाती है। इस पे आएंगे, आगे विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए कि ये वो नीच लोग हैं, ये वो क्रिकेटर है जिससे हमारे देश के लोग गेम खेलते हैं और इसके फैंस हमारे देश में पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अभी वो जो एक और मक्कार है शाहरुख खान, उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है या हो चुकी है,
उसको वो बड़ा कहा करता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी बड़ा अच्छा पड़ोसी है, और उनकी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पूरी बेशर्मी से सपोर्ट करता आया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने कि हम किस तरह के मक्कारों और गद्दारों को आज तक अपना हीरो, अपना आइकॉन मानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये श्रीमान है उमेर अनस, हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर। इस है तो छोट भैया है वैसे तो, लेकिन आज से ये फेमस हो जाएगा क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है? इवन इन द मोस्ट कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटीज लाइक अफगानिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, नेवर अ बाइबल और एनी अदर होली स्क्रिप्चर वॉज एवर बर्न। What a saddening descent of Europe into an era of darkness in the time when Muslim countries are embracing openness। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखो। पहला इसका वाक्य है कि जो सबसे अधिक कंजर्वेटिव जो या रूढ़िवादी मुसलमानी समाज है अफगानिस्तान का, ईरान का और अरेबिया का, वहां पर भी कभी बाइबल को या किसी और किसी मजहब के ग्रंथ को जलाया नहीं गया। देश देखिए कौन कौन से है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। अफगानिस्तान में शायद आज एक या दो सिख बचे हैं, या संभवतः वो भी लौट आए हैं, क्योंकि सिखों को और हिंदुओं को प्रताड़ित कर करके निकाला, गुरुद्वारे और मंदिर तहस नहस किए, उनकी महिलाओं से बलात्कार किए, अपहरण किए, हत्याएं की, लेकिन उनके धर्म ग्रंथ नहीं जलाए, उनके पवित्र ग्रंथ नहीं जला। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे देश की यूनिवर्सिटी। सऊदी अरेबिया में आपको किसी और मजहब को पढ़ने की अनुमति नहीं है। आप यदि गले में एक छोटा सा श्री राम का, श्री कृष्ण का या माता का लॉकेट भी पहनकर चले जाते हैं तो उतरवा देते हैं आपसे। केवल धार्मिक चिन्ह नहीं है। हमारे एक जानकार हैं, उनकी पोस्टिंग है सऊदी अरेबिया, तो पहले वो स्वयं गए, फिर उन्हें लगा कि अपनी पत्नी को भी लेके जाता हूँ वहां। अब पत्नी वहां करेगी क्या, क्योंकि वहां कोई सिनेमा हॉल तो है नहीं, टाइम कैसे पास करेगी? तो उन्होंने एक हार्ड डिस्क खरीदी 1 TB की, उसमें यहाँ के जो सीरियल्स थे, जो फिल्में थी, वो पूरी भर ली उसमें। तो पत्नी घर में रहेगी तो उसका टाइम पास हो जाएगा। जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहां पर उनकी हार्ड डिस्क चेक होती है और उसे पूरी तरह से फॉर्मेट करके पकड़ाया था। ये सऊदी अरेबिया। और जहां तक ईरान का सवाल है, वहां अभी भी 100 से ज्यादा लोग बंधक हैं, उनके अपने ही देश के, जो कहते हैं कि हम कुरान को नहीं मानते, हम हिजाब को नहीं मानते, कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है इस्लाम के नाम पर, तो उन्हें सरेआम फांसी दी जाती है, उन्हें लटकाया जाता है। और लटकाया क्या कह के जाता है कि ये दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट अल्लाह, क्योंकि कुरान क्या बोलता है, वॉर अगेंस्ट अल्लाह। अब इससे हास्यास्पद बात आपको क्या मिलेगी? एक क्लेम क्या है इनका कि कोई अल्लाह नाम का गॉड है, माबूद है, सर्वशक्तिशाली, ठीक, उसने सारी कायनात को बनाया, लेकिन उसको उसी के बनाए पिद्दी से जो मनुष्य है वो उस पे वॉर वेज कर सकते हैं, उससे जंग कर सकते हैं, अल्लाह से जंग कर सकते हैं। और ये अल्लाह इन जंग करने वालों से इतना डरता है कि उनकी सजा क्या है, या तो उनके उल्टे हाथ और पैर काट दिए जाए, यानी अगर लेफ्ट हैंड काटा है तो राइट पैर काटा जाएगा, या उल्टा, या सूली चढ़ा दिए। और इन्हें हमारे देश का असिस्टेंट प्रोफेसर ये बोलता है कि ये टॉलरेंस सिखाता है। शाहिद अफरीदी तो बोलता ही है, वो तो खैर एक राक्षसी मुल्क में है, लेकिन हमारे देश के मक्कार भी यही काम करते हैं। आगे चलते हैं जी। नहीं, नेक्स्ट प्लीज। अब ये एक महिला है, नाम मैंने जानबूझ के छिपा दिया कि इनको हम अननेसेसरी वेटेज दे देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, दिस इज जस्ट
दिस जस्ट शो हाउ इनसिक्योर दे आर, दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ कुरान. डिड यू एवर सीन अ मुस्लिम बर्निंग देयर होली बुक? इनसिक्योर हिपोक्रेट्स. तो इसका कहना है कि जो कुरान जला रहे हैं वो अपने आप को इनसिक्योर या असुरक्षित समझते हैं, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं. कि तुमने कभी मुसलमानों को दूसरों की किताबें जलाते देखा है? तो हमारे देश में तो इन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जलाई है, नालंदा यूनिवर्सिटी. वो तो एक बड़ा ज्वलन, एक बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है. आप हमारे देश के किसी भी प्राचीन मंदिर में चले जाए, जो मूर्तियां आपको दिखती हैं वो खंडित दिखाई देती हैं. किसी का नाक तोड़ा हुआ है, किसी का कलश तोड़ा हुआ है मंदिर का. और यदि आप जो सबसे सुंदर मंदिर है हमारे देश का, शायद पूरे संसार का, कैलाश मंदिर, वहां जाइए. वो हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक अतुलनीय उदाहरण है. आज की टेक्नोलॉजी से भी उतना सुंदर मंदिर बनाना संभव नहीं है. लेकिन वहां पर भी जो विग्रह हैं, वहां पर भी जो मूर्तियां हैं, वो खंडित दिखाई देती हैं, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी. 3 वर्ष तक उसके लोग ये मंदिर तोड़ते रहे. सबसे अधिक इनसिक्योर तो ये है. अब ये जब इनसिक्योरिटी की बात आती है, तो ये दूसरों को क्या बोलते हैं? 1000 वर्षों से हमारे यहाँ ये राक्षस आते रहे, मूर्तियां खंडित करते, क्योंकि सारे के इसका मतलब ये सारे के सारे इनसिक्योर थे, असुरक्षित थे, है ना? और दूसरा कि इनका कहना है कि कुरान से डरते हैं. वास्तविकता ये है कि जितने इस्लामी है वो मूर्तियों से डरते हैं. इनको ये पत्थर बोलते हैं ना कि ये तो पत्थर है, लेकिन ये उन पत्थरों से डरते हैं, इसलिए उन पे हमला करते हैं. अब हमला किस पे करेंगे? अगर यही लॉजिक लगाना है तो इसका मतलब है कि 1400 वर्षों से ये कायरता हमें पूरे इस्लामी समाज में, इस्लामिक मनोस्थिति में देखने को मिलती है, कि ये डरते हैं, इसलिए हमारे यहाँ आकर इन्होंने मंदिरों को खंडित किया, हमारी पुस्तकें जलाई. तो यदि हम इन्हीं का आर्ग्यूमेंट लेके चले कि ये डरते हैं, तो सबसे ज्यादा डरपोक, सबसे ज्यादा कायर कौन है? तो मुसलमान ही निकलेंगे, क्योंकि सबसे अधिक मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, किताबें जलाई. तो ईसाइयों के बाद सबसे अधिक ऐसा नीच काम किया तो इस्लाम से प्रेरित लोगों ने. एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर है, खुशदिल शाह. द होली कुरान, होली कुरान, होली इनके लिए हो सकती है जिन्हें लौंडियां मिलती हैं कुरान में, जिन्हें दूसरों का माल लूटने का हक मिलता है. हमारे लिए तो होली भी नहीं है. द होली कुरान टीचर्स नॉट ओनली मुस्लिम्स बट द एंटायर ह्यूमन रेस हाउ टू स्पेंड लाइफ विद पीस एंड डिग्निटी. इस पे अभी आते हैं. इट हैज बिकम अ फैशन इन द वेस्ट नाउ, इनफ ऑफ दीज शेमलेस एक्ट्स एंड मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय द एंटायर मुस्लिम उम्मा एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन स्वीडन लिविंग. अच्छा, अब ये यहाँ पर एक तरह से धमकी दे रहा है कि मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों की उम्मत है या उम्मा है उसे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट में फैशन बनता जा रहा है. तो इस 2 टके के क्रिकेटर को ये पता होना चाहिए ये फैशन अब हमारे देश में भी बन चुका है. सोशल मीडिया के आने के बाद लोग इस सच्चाई से पूरी तरह से समझते जा रहे हैं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा, कितनी टॉलरेंस है, वो हम अभी उसकी भी बात करने वाले हैं आगे. उससे पहले एक और देख लेते हैं. ये याना मीर है. बहुत से लोग इनको बड़ा राष्ट्रभक्त और न जाने क्या क्या सनातनी मुस्लिम किस तरह के तमगे नवाजते हैं. क्या कहती है? इफ ओनली द पीपल ऑफ स्वीडन हैड रेड द डिवाइन होली कुरान. डिवाइन भी है, होली भी है. वंस, एक ही बार पढ़ लेते, जस्ट वंस, इन देयर ओन लैंग्वेज, वर्ड टू वर्ड, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन और ह्यूमन तफसीर, दे वुड हैव क्राइड अबाउट हाउ कंपैशनेट एंड प्योर इट्स वर्डिंग्स आर. शब्दों पे ध्यान दीजिए. और ये वो मक्कार महिला है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है, ये एक मॉडरेट मुस्लिम.
डिवाइन, होली, कंपैशनेट, प्योर। तो हम अब इनका एक एक करके जरा खुलासा करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये कहते हैं ना कि मुसलमान तो ऐसा करते ही नहीं, तो शुरू इनके पैगंबर ने कर दिया था ये प्रोसेस, जैसे ये क्या बोलते हैं वो, पीस बी अपॉन हिम। और इनके यहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। पीस बी अपॉन हिम नहीं बोलेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, लेकिन लेकिन इनमें अंधविश्वास। एनीवे, अब ये इस मोहम्मद नाम के आदमी की बायोग्राफी है। इसके लेखक हैं विलियम मुइर, उन्होंने आज से लगभग 150 पौने 200 वर्ष पहले लिखी थी, और सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी मानी जाती है मोहम्मद, क्योंकि इसका ये लिखते समय उसने केवल हदीसों और कुरान का सहारा लिया था। और विलियम मुइर को बड़े उच्च कोटि का इतिहासकार माना जाता है। वो क्या बताता है, पहले तो राइट साइड में देख ले, एम्बेसीज फ्रॉम हनीफा एंड अदर क्रिश्चियन ट्राइब्स एंड ऑफ आफ्टर हिजरी 9 बिगिनिंग ऑफ AD 631। मोहम्मद के मरने से लगभग 1-1.5 वर्ष पुरानी घटना है। लंबा पेज है, सारा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर क्रिश्चियंस की एक टीम इससे मिलने आती है मोहम्मद से, क्योंकि ये वो समय है जब इसने मक्का फतेह कर लिया और अब मुसलमानों की और मोहम्मद की दहशत अरेबिया में फैल चुकी है। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बार बार आ रहे हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। तो क्रिश्चियंस का एक एक क्या बोलते हैं उसे, डेलीगेशन मान लीजिए, कुछ क्रिश्चियंस मिलने आए। तो अब इसकी लास्ट लाइन आप पढ़ के देखें क्या लिखा है। ऑन द डिपार्चर ऑफ द हनीफा द प्रॉफेट गेव देम अ वेसल। तो जब हनीफा वहां से गया तो जो पैगंबर था उसने उनको एक लोटा दिया। उस लोटे में क्या था वो अगले पेज पे आएगा, पेज नंबर 443 और 444 है। विद सम वाटर इन इट रिमेनिंग ओवर फ्रॉम हिज एब्लूशंस एंड सेड टू देम, व्हेन यू रीच योर कंट्री ब्रेक डाउन योर चर्च, स्प्रिंकल इट्स साइट विद दिस वाटर एंड इन प्लेस ऑफ इट बिल्ड अप अ मॉस्क। दीज कमांड्स वर कैरिड इन टू इफेक्ट एंड अबेंडन क्रिश्चियनिटी विदाउट कंपंक्शन। तो जो ये कहते हैं ना कि हम टॉलरेंस सिखाते हैं, इनका नबी कैसा था वहीं से समझ पाता कि ईसाई आते हैं उन्हें क्या देता है, एक लोटा देता है जिसमें इसमें अपना जो वुदू करके जो पानी बचा हुआ था। अब इसके बारे में बहुत कहानियां हैं, वो दीन की दावत में बात करते रहते कि इसे ले जाओ अपनी जो चर्च है उसे तोड़कर उस पर छिड़क देना और फिर वहां पर मस्जिद बना। फिर मोहम्मद के जीते जी शुरू हो गया था। लेकिन अभी ये करते क्या है कि विलियम मोहर तो क्रिश्चियन था, उसने गलत बात बता दी, क्योंकि मक्कार तो है ये सारे के सारे जितने इनके अपोलोजिस्ट हैं। तो हम दूसरी बायोग्राफी देखते हैं, इसे लिखने वाला मुसलमान ही है और हमारे देश का ही है, मुबारकपुरी। वो उसने किताब लिखी जिसे बोलते हैं द सील्ड नेक्टर और रहीक अल मख्तूम। उसमें वो क्या बताता है जरा उस पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए जरा, अली को भेजा गया था, सेंड सम मैन टू डिमोलिश एन आइडल कॉल्ड अल्लाह। अच्छा हाँ, ये अली को नहीं भेजा, ये सिर्फ बाद की घटना है। ताइफ नाम का शहर था वहां, वहां एक मूर्ति थी अल्लाह नाम की, और इसका उस समय का सबसे बड़ा गुंडा था खलीद बिन अल वलीद। हाँ, लेकिन यहाँ आपको एक चीज और पहले बता दूं, अभी ये जो भूखा नंगा देश है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमारी मातृभूमि का टुकड़ा काट के बना, आज यहाँ 2 दिन से वहां पर बिजली नहीं, लोग आटे के लिए एक दूसरे के गले काट रहे, गोलियां मार रहे। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपने जो तौहीने रसूल का कानून है 295C, उसमें संशोधन किया। वो संशोधन क्या है कि आप मोहम्मद के बारे में तो बुरा बोल ही नहीं सकते, उसकी निंदा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तौहीने रसूल हो जाते। जो उसके रिश्तेदार थे और जो उस समय उसके साथ के लोग थे जिन्हें ये लोग सहाबा बोलते हैं, उनके बारे में भी अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो कम से कम 10 साल की जेल है और वो उम्र कैद भी हो सकती है। ये है शरिया इन एक्शन।
और ये है इस्लामिक समाज की हकीकत। अब वो कैसे लोग थे जरा उसे देखिए, क्योंकि खालिद बिन वलीद को अपना बड़ा तगड़ा हीरो बताते, किस तरह के हीरो हैं जरा उस पर नजर डालिए। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, PBUH, पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे तो फिर इन पे अल्लाह की कयामत आ जाएगी। सेंड सम मैन टू डिमोलिश द आइडल कॉल्ड अल्लाह अंडर द कमांड ऑफ खालिद बिन अल वलीद। अल मुघीरा स्टूड टू हिज फीट, हेड द हो एंड द एक्स एंड सेड, बाय अल्लाह आई विल मेक यू लाफ एट थकीफ। ही स्ट्रक विद देम एंड प्रिटेंडेड टू फॉल डाउन। तो यहाँ मोटा मोटा ये हो रहा है जी कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, इसने स्पेशली भेजा कि अब ताइफ वाले हमारे दहशत के मारे कन्वर्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, तो इनकी जो कुल देवी है अल्लाह, उसकी बड़ी सी प्रतिमा है, जाओ और उसे तोड़ो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो इस्लाम इन्होंने कबूल किया था ताइफ वालों ने, उसके बारे में मेरी जो वो सीरीज है इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज, वो देखिए आपको पूरा विस्तार वहां मिलेगा, लेकिन उनको दहशत में डाल के कन्वर्ट, और अब बोला कि तुम्हारी वो मूर्ति तोड़े। तो उनके जो लोग थे उन्होंने कहा चल हम इस्लाम तेरा मान लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा टाइम दे दे, 3 साल का समय दे दे, हम धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो हम अपनी मूर्ति तोड़े। वो इतना टॉलरेंट था, उसने बोला नहीं। तो उसने बोला 1 साल दे दे, तो क्योंकि वो बहुत टॉलरेंट सहनशील था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसने बोला 1 साल भी नहीं दे, इन्होंने बोला 6 महीने दे। तो मोहम्मद ने बोला नहीं 6 महीने भी नहीं दो, उन्होंने बोला 15 दिन दे दे, बोला 15 दिन भी नहीं दूंगा। इमिजिएटली अपने बदमाश भेजे वहां पर, ये खालिद बिन वलीद जैसे, उन्होंने वहां पर सारी महिलाएं वहां रो रही हैं सामने कि हमारी जो मूर्ति उसे तोड़ेंगे, उनके सामने उसे तोड़ा जाता है और इसे गर्व से बताते हैं कि हमने ये किया। आज जब यूरोप के लोग इनको इन्हीं के, वो कहते हैं ना पेइंग बैक इन देयर ओन कॉइन्स, सिर्फ इन्हीं के सिक्के में इनको पेमेंट मिल रही है, तब इनके स्थान विशेष पे दर्द होती है, और अब ये अपने आप को टॉलरेंट बताने की कोशिश कर, लेकिन वास्तविकता वहीं से शुरू हो जाती है। जैसा गोडाउन होगा शोरूम भी तो वैसे ही निकलेगा, शोरूम का माल भी वैसे ही। और जहां तक कुरान की बात है तो हम थोड़ा सा कुरान देख लेते हैं क्या कहती है, जो टॉलरेंस सिखाती है। चैप्टर नंबर 2 उसी में पता चल जाता है, ये आयत नंबर 191 और 193 है, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। काफिरों के बारे में आता है जी, और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहां से तुम भी उनको निकाल दो, और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल और खूनी से कहीं बढ़कर है, और जब तक वे तुमसे मस्जिद मोहतराम यानी खाना काबा के पास ना लड़े, तुम भी वहां उनसे ना लड़ना। हाँ अगर वे तुमसे लड़े तो उनको कत्ल कर डालो, काफिरों की यही सजा है, और अगर वे रुक जाए तो खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है, और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद खत्म हो जाए और मुल्क में खुदा ही का दीन हो जाए, और अगर वे फसाद से बाज आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। यह है जो टॉलरेंस सिखाती है। अब ये वैसे तो हमने कई बार पहले भी चर्चा की, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि यहां पर वो कह रहे हैं कि एक तो इनसे तब तक लड़ते रहना है जब तक के दीन केवल अल्लाह का नहीं होता। फिर इसमें जो यूफेमिज्म होते हैं वो क्या है कि काफिरों की यही सजा कि तुम उनको कत्ल कर डालो और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहो फसाद खत्म हो जाए। और फसाद खत्म करना है तो फसाद क्या होता है, वो इनकी अपनी परिभाषा ये है कि कोई भी जो इस्लाम को नहीं मानता वो फसादी है, वो कुफ्र करता है, कुफ्र जो है वो फसाद है, इसलिए उनको मारना उनको कत्ल करना ये तुम्हें दिया गया होली कंपैशनेट कुरान के और प्योर वर्ड्स के अंदर दिया, जो डिवाइन किताब है उसमें ही दिया। और केवल अगर हम दूसरा अध्याय देखते हैं तो उसी में देखा जाता है, मुसलमानों तुम पर खुदा के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है, मैं तुम्हें नागवार तो होगा,
मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वह तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। और इन बातों को अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। तो अब ये घटना कब की है या ये आयत कब आती है? होली कंपैशनेट कुरान के अंदर जिस समय ये लूटपाट करने जा रहे थे, तो कुछ जो चेले बने थे नए नए उनमें अभी तक इंसानियत बची हुई थी, दोनों ने कहा कि हम क्यों लड़ना चाहते हैं, अब हमारे पास सब कुछ तो आ गया, पैसे वैसे आ गए हमारे पास। तो जो हुजूर साहब है प्रे पीस बी अपॉन हिम, उनका कहना है कि लड़ना तुम्हारे लिए फर्ज है, ये तुम्हारी मौज मस्ती के लिए ना तुम्हारी ड्यूटी है। ये तो अगर तुम्हें नागवार गुजरता है तो भी तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये जो है ना कि खुदा के रास्ते में लड़ना, किताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये है। अभी है आयत नंबर 216 चैप्टर नंबर 2 की, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। 218 में, जो लोग ईमान लाए और खुदा के लिए वतन छोड़ गए और काफिरों से जंग करते रहे, वही खुदा की रहमत के उम्मीदवार हैं और खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। ये उन गधों के लिए स्पेशली है जिनको लगता है कि जिहाद तो किसी अंदर की लड़ाई का नाम है, अंदर की बुराइयों से लड़ना है, जिसे जिहादे असगर कहा जाता है। तो कुरान बड़ी स्पष्ट है कि तुम्हें काफिरों से जंग करनी है, तब तक करनी है जब तक के बाकी सारे दीन, बाकी सारे मजहब खत्म नहीं हो जाते। और इसको हम स्किप कर देते हैं। अब इस सूरह नंबर 8 आयत नंबर 41, जो शाहिद अफरीदी बताता है, और वो दूसरा क्रिकेटर था, और याना मीर जो बताती है कंपैशनेट कुरान के बारे में, इसमें प्योर वर्ड्स हैं, वो क्या है? और जान रखो कि जो चीज तुम कुफार से लूट कर लाओ, देखिए कितना कंपैशन है, कितना टॉलरेंस है, एक कुफार से लूट कर लाओ उसमें से पांचवा हिस्सा खुदा का, वाह 20% शेयर, और उसके रसूल का और कराबत दारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का, तो ये है कंपैशन जिसके बारे में संसार भर में बात चलती, संसार भर को उल्लू बनाने के लिए चलती। लेकिन अभी एक चीज और हमें देखनी है कि जो इनकी असलियत शुरू से क्या रही है, उसका एक एग्जाम्पल मैं और आपके साथ शेयर करूंगा आज। जो अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, जिसकी किताब मैंने दिखाई आपको, अर-रहीक अल-मख्तूम, उसने बड़ी डिटेल में बताया, हालांकि वो बहुत सारी जो ज्यादा बैड लाइट में पेश करने वाले फैक्ट्स हैं उनको खा जाता है, फिर भी वो कितना, इतनी धुलाई करने के बाद भी जो बचता है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज है जो ये वास्तविकता में मजहब क्या सिखाता है। बुक सामने की, हाँ जी, ये देखिए, वो बोलता है प्लाटून्स बनाई थी कुफार को लूटने के लिए, प्लाटून्स यानी गुंडों की फौज थी वो। पेज नंबर 268 है ये इसका। हुएना बिन हिस्न अल फजारिस प्लाटून इन अल मुहर्रम द 9th ईयर ऑफ हिजरा टू बनी तमीम, इट कंसिस्टेड ऑफ 50 हॉर्समैन, नन ऑफ देम वाज एन इमिग्रेंट और अ हेल्पर। दिस Expedition was dispatched due to the fact that Bani Tamim had already urged other tribes not to pay tribute. तो ये जो tolerant कुरान के लोग थे, जो मुसलमान थे बेचारे भूले थे, ये लोगों से जिजिया वसूल करते थे कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जिम्मी बने हो, हमें टैक्स दोगे तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं तो मार देंगे। अब नए नए थे उस टाइम, नए कन्वर्ट हुए थे, तो उन्हें लगा कि नहीं देंगे तो जिजिया कैसे नहीं दोगे, जैसे वो आज से 20-30 साल पहले फिल्में आती थी ना मुंबई में, रंगदारी देनी पड़ती है, जब लालू प्रसाद यादव के
काल में बिहार में होता था और मुंबई में गुंडा टैक्स से होता था। तो वैसे ही ये था कि तुम जिजिया पे करोगे तो वहां पर जो ट्राइब्स थे जिन्होंने वो देना बंद कर दिया उन पे हमला करने पहुंचे। कैसे पहुंचे वो देखिए, कितने बहादुर थे। Therefore, Huayna Bin Hisn set out to fight them. All the way long he marched by night and lurked by day. रात को आगे बढ़ते थे, दिन में रुक जाते थे ताकि उनको पता ही ना चले ये वीर लोग थे। He went on that way till he overtook them and attacked them in the desert. They fled back for their lives. 11 men, 21 women and 30 boys were captured then. He drove them back to Medina and were housed in Ramallah's house. 10 of their leaders who came to Prophet's door called out. तो मोटा मोटा यह है जी कि क्योंकि वो गुंडा टैक्स नहीं दे रहे थे जिजिया, इसलिए उन्हें लूटने के लिए भेजा गया। जो जान बचा सकते थे वो भागे। 11 पुरुष, 21 महिलाएं, 30 बच्चे इन्होंने पकड़ के मदीना में ले आए, उन्हें बांध के रखा हुआ। तो फिर वो मिलते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से, जो बहुत ही कंपैशनेट है। तो वहां पर एक मुकाबला होता है जिसे मुतालबा कहते हैं। उसमें ये क्लेम करेंगे कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं और मोहम्मद का जो पोएट था वो बोलेगा कि वो सुपीरियर है। तो उसकी कवाली या कविता या नज्म ज्यादा सुपीरियर थी, तो इसलिए उनको इस्लाम कबूल करना पड़ा। कितना सुंदर कारण है कबूल करने का। और जब उन्होंने कबूल कर लिया तो लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की देखें, Consequently, the messenger of Allah, PBUH, praise be upon him, acknowledged their Islamization, awarded them well, and rendered them back their women and children. के अब तुम अपनी महिलाएं और बच्चे ले सकते हो क्योंकि तुम अब मुसलमान बन गए। देख कितने प्यार से मजहब फैला है। और यहाँ लोग कुरान को जलाने की बात करते। पॉइंट नंबर टू भी देखिए, अ प्लाटून हेडेड बाय कुतबा बिन अमीर टू अ स्पॉट कॉल्ड खत्ताम इन तबाला, अ प्लॉट ऑफ लैंड नॉट फार फ्रॉम तुरबा, दैट वाज इन सफर 9 हिजरी। फिर मोहम्मद के मरने से एक डेढ़ वर्ष पुरानी बात है। अकॉम्पनीड बाय 20 मैन एंड ओनली 10 कैमल्स टू माउंट, कुतबा रेडेड देम एंड फॉट सो फियर्सली दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ बोथ पार्टीज वर वाउंडेड एंड सम अदर्स वर किल्ड। द मुस्लिम्स ड्रो बैक with them camels, women and sheep to Medina. तो कितने compassionate, कितने दयावान लोग थे कि उनको मारा, उनको लूटा, फिर उनकी महिलाएं उठाकर, उनके ऊंट, उनकी भेड़ें और उनकी महिलाएं उठाकर अपने साथ ले आ। अगर अब भी आपको compassion नहीं दिखाई देता इस्लाम में तो लानत है आपके ऊपर यार, क्या करते हो? चलिए आगे चलिए सर, ये पांचवें नंबर पे आते। The task of the platoon of Ali bin Abu Talib, Ali sahab, जो क्या थे मोहम्मद साहब के जमाई भी थे और उनके कजन भी थे, उन्हें भेजा गया to demolish Al Kulus, which was an idol. तो एक अल्लाह तोड़ चुके हैं, फिर एक चर्च थी वो तोड़ने का हुक्म दे चुके हैं। यहाँ अली साहब है वो जाते हैं, एक मूर्ति है उसे तोड़ने के लिए जिसे अल कुलूस कहा जाता है। और ये आपने एक वो हॉलीवुडिया फिल्म ना बॉलीवुडिया फिल्म देखी होगी हातिम ताई। तो हातिम ताई ट्राइब का था, उस ताई ट्राइब की बात करें कि उनकी वो मूर्ति थी, उनकी कुल देवी थी वहां। अली वॉज डिस्पैच्ड बाय मैसेंजर ऑफ अल्लाह विद 150 मैन, 100 ऑफ देम वर ऑन कैमल्स, द अदर 50 वर ऑन हॉर्सबैक, ही हैड अ ब्लैक फ्लैग एंड अ व्हाइट बैनर। तो ISIS का जैसा काला झंडा है वैसा काला झंडा अली का। At dawn, they raided Mahallat Hatim, demolished the idol and filled their hands with spoils. तो मूर्ति तोड़ी, फिर वहां पर लूटपाट मचाई और अपने इनके हाथ भर गए पूरे कैमल्स एंड शीप बूटीज, whereas आदि फ्लेड टू अशाम। अब जो वहां का एक लीडर था वो सीरिया भाग गया। तो क्या करेंगे, ये तो कंपैशनेट लोग हैं, तो इन्होंने जो उसकी बहन थी तो सारी महिलाएं जो थी उनको उठाकर मोहम्मद साहब के हजूर उसमें पेश की जाती हैं,
तो उसमें हातिम ताई की बेटी यानी जो आदि था उसकी बहन भी थी। तो आगे की कहानी वही है कि वो बेचारी हार मान गई, तो फिर इनको उन्होंने कहा कि चलिए जी हम आपको माफ करते हैं, पैसे वैसे दे दो और कन्वर्ट। तो ये है कंपैशन जो वो चाहते हैं कि हम सीखें। अभी अब प्रश्न ये उठता है कि कुरान जलानी चाहिए, फाड़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसे तो पढ़ना चाहिए, और मोदी जी तो कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। तो मेरे हाथ में कंप्यूटर भी है और कुरान भी है, तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मोदी जी का कहना माने, इसकी वास्तविकता पढ़ें, और आसपास जितने काफिर हैं उन्हें भी बताएं, और जो मोमिन है उन्हें भी बताएं, क्योंकि मोमिनों को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हो। तो यदि कोई प्रश्न है तो लेते हैं अब हम। रत्नदीप जी, आई एम प्लानिंग टू सेंड प्रॉफिट बजिंदर्स वीडियो इन अ पेन ड्राइव अलोंग विद अ कवरिंग लेटर टू मिस्टर श्याम मानव आस्किंग व्हेन ही विल चैलेंज हिज सो कॉल्ड मिरेकल्स। रत्नदीप जी आप भेज तो दीजिए, लेकिन ये श्याम दानव जैसे लोग ना तो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट मुंह खोलेंगे और ना ही जिहादियों के खिलाफ, क्योंकि ये कायर और मक्कार लोग हैं, इसलिए ये एक्चुअली उनके प्रॉक्सी हैं, उन्हीं का काम करते हैं। मैंने जो लास्ट स्ट्रीम की थी उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरह से बेवकूफ बनाने का धंधा पिछले 100 साल से चल रहा है, गांधी के टाइम से शुरू, और वो ही आगे बढ़ता जा रहा है। कहेंगे क्या कि हम तो जी क्रिश्चियन प्रीस्ट्स का भी विरोध करते हैं, बजेंद्र का हो सकता है वो दिखाने के लिए कर भी, लेकिन पॉइंट वो है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर किसी मौलवी का, किसी दरगाह का भी विरोध, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि अगर वो रैशनलिस्ट है, अगर वो ये कहता है कि हम अंधविश्वास हटाना चाहते हैं, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो खड़े ही अंधविश्वास की बुनियाद पे है। कोई ये बात का कैसे विश्वास करेगा कि मोहम्मद उसका पैगंबर था, जब उसके समकालीन लोगों ने नहीं किया था, तो इस पे विश्वास कोई क्यों करेगा? पहले तो पैगंबर क्यों भेजेगा अगर कोई गॉड है? तो गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव करोगे, अल्लाह है या जहुआ है, वही सिद्ध नहीं होती, तो वहीं से सुपरस्टिशन शुरू हो जाता है। फिर पैगंबर भेजा है, फिर उसमें कुरान उतारी है, जिब्रील नाम का फरिश्ता है, ये कैसे प्रूव करोगे? वो जो जीसस क्राइस्ट था उसे सूली पे टांगा था, कोई प्रूफ नहीं है, 3 दिन बाद जिंदा हुआ उसका कोई प्रूफ। तो ये मक्कार लोग हैं, ये ऐसा नहीं करने वाले। आप भेजिए, बड़ी अच्छी बात है, आप भेजते हैं तो ट्राई करके देखिए, लेकिन हमेशा फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों मजहब तो खड़े ही अंधविश्वास की बुनियाद। चाहत सिंह चौहान, आज गाजी के पेट में रोटी नहीं। हाँ ठीक बात है जी, आज गाजी के पेट में रोटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह रोटी नहीं दे सकता उनको। अल्लाह इनके पेट में बच्चे तो दे सकता है, लेकिन इनके पेट भरने के लिए रोटी नहीं दे सकता अल्लाह। क्योंकि जब कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, तो उस समय इनका क्या राग होता है? बच्चे तो अल्लाह की देन है ना? वो लेकिन वो अल्लाह अपने गाजियों को, अपने नए मदीना को क्या नहीं दे पाता? रोटी नहीं दे पाता, बिजली नहीं दे पाता, लेकिन मोमिना के पेट में बच्चा पहुंचा देता है। और वो कौन थी? वो सफूरा जरगर। कुवारियों के पेट में बच्चे पहुंच जाते हैं, ये अल्लाह का करिश्मा है। जी नेक्स्ट प्लीज। ओके आई गेस यही है आज के प्रश्न हमारे लिए। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि कुरान जलाने की आवश्यकता नहीं है, फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की और समझाने की कि कौन सा कल्ट है, ये क्या सिखाता है, और कैसे आज तक, और हमारे नेता तो आज तक उल्लू बने हुए इस चक्कर में, उनकी जबान नहीं खुलती। वो ऐसे गधे तो हैं जो रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हैं, जहां पर
आप उसकी इंटरप्रिटेशन कहीं से भी ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ इन किताबों पे बात करने के लिए हमारे जो सो कॉल्ड वीर नेता हैं उनकी घिग्गी बन जाती है। शाह जी, किताब पढ़कर आदमी मोर और कैसे बंदर बन जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये आपने कुछ इसमें गलत बोल दिया, क्योंकि बंदर में तो बहुत बुद्धि होती है। अगर आप जितने जो जीव हैं वो तो अपना जो नैसर्गिक उनका जीवन है, जो बिल्कुल उनके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नेचुरल चीजें उन पे जीते हैं ना, उन्हें पता है कि प्रकृति उन्हें क्या दे रही है। यहाँ पर तो इनको खतने करवाने पड़ते हैं। अब कोई ऐसा पशु भी नहीं होगा जो इस तरह चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप बंदरों का अपमान करना चाहते हैं, आपको इसमें पूरी बंदर जाति से क्षमा मांगनी चाहिए। कमर भुल्लर, इफ आफ्टर पार्टीशन वी हैड एक्सचेंज द पॉपुलेशन दीज पीपल वुड हैव अलोंग लॉन्ग अगो किल्ड ईच अदर। हाँ, ठीक बात है जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे नेताओं ने हमारी वाट लगा रखी है। तब भी कायर थे, मक्कार थे, गांधी, नेहरू, सबने मक्कारी, नीचता, कायरता दिखाई। जो वीर थे सावरकर जैसे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो आज भी देखिए ना, आज भी यदि हमारे नेतागण चाहें तो इसमें जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये अगर स्टेट चाहे तो बच्चों को कितने आराम से बताई जा सकती। जो ये आज मक्कारी चल रही है, वो सारे जितने मैंने आपको ट्वीट्स दिखाए हैं, वो सारा झूठ ही फैला रहे हैं ना। केवल इस झूठ को ही तो ध्वस्त करना है, तो विभाजन भी नहीं होता। और ये जो राक्षस आज पाकिस्तान में बस रहे, जो आज दाने दाने को मोहताज है, वो एक क्या बोलते हैं उसे, संपन्न जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अभिशाप है पूरे धरती के लिए, पूरी मानवता के लिए, ये जो कल्ट है कि हम इसे झेल रहे हैं, मजबूरी है झेलना इसे। जिस दिन हमारे नेताओं में साहस आ गया ना, जैसे वो गार्ड वाइल्डर्स है, जैसे स्विट्जरलैंड का शायद, इस तरह के नेता यदि हमें मिल जाए, दो चार ही बहुत है, इनकी असलियत दिखाने में कितना टाइम लगता है, छुपाने में तो बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन सच्चाई बताने में थोड़ा समय लगता है। प्रदीप कुमार जी, नीरज सर, इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट अवर रियल हिस्ट्री एंड वांट्स टू रिसर्च ऑन इट, कैन यू प्रोवाइड देम गाइडेंस? जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ ये सब करें। प्रदीप जी, आप स्टार्ट कीजिए मेरी किताब से, ब्रेन वॉश रिपब्लिक से। उसमें मैंने प्राइमरी सोर्सेज दिए, क्योंकि यदि आपको इतिहास जानना है तो प्राइमरी सोर्सेज पे। और अभी क्योंकि आपने पूछा है, तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। वहां पर उन्होंने बहुत सारी किताबें ऑनलाइन डाल रखी है, उनके पीडीएफ भी मिलते हैं, जो सीताराम गोयल जी के हैं, रामस्वरूप जी के हैं, कॉनराड एल्स्ट के हैं, अरुण शौरी के हैं, शंकर शरण जी के हैं। ये चार पांच लेखक आप पढ़ लीजिए, आपको हमारे देश का जो इतिहास है बहुत सारा यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ कमी रह जाती है, इनको पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कुछ और जानना है, तो एक 8 वॉल्यूम का सेट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, एलियट एंड डॉसन का लिखा हुआ, वो पढ़ सकते हैं आप। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, 6 वॉल्यूम्स है, 6 में से केवल 4 ही प्रकाशित हो पाए थे उसके, वो पढ़ सकते हैं आप। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जहां पर आपको हमारे देश का वास्तविक इतिहास जानने को मिल सकता है। और इस पे तो आप जितनी सहायता चाहें, मैं आपकी उतनी सहायता करने को सदा तत्पर हूं, ये करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अरे यार, कैसा नाम रखे हो? हाँ, पैरी पौना गुरु जी, जी जीते रहो। कृपया एक सेशन साइबर सिक्योरिटी हमलों पर कीजिए। इस्लामी देश मिलकर भारत पर एक हमला कोऑर्डिनेट करते हैं, आपको हमारा पूरा सपोर्ट। जी, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हंसी तो ले देता हूँ, और पैरी पहना स्वीकार है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, जीते रहो, जिंदे रहो। जस्ट एक मिनट।
और साइबर सिक्योरिटी पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरा डोमेन भी नहीं है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए, दो तरह की होती है, जो जो आप साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, एक तो जो टेक्निकल होता है उसमें तो मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन जो जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि हमला कोऑर्डिनेट करते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, वो तो हम इस पे तो बात हो ही सकती है और करते नहीं है उस पे, और चाहेंगे तो इस पे एक सेशन अलग से भी किया जा सकता है। लेकिन आप अपना नाम थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सैनिटाइज कर लेंगे तो अच्छा रहे। जी एस विद सतीश मिश्रा, सतीश जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। और ये जो हंसी वाले श्रीमान अभी आए थे, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि नाम थोड़ा अच्छा रखें ताकि बात की जा सके। हाँ, एक बात और, जो अभी आप इतिहास की बात कर रहे थे, अपना इतिहास तो जानना ही है हमें, साथ ही साथ ये जो कल्ट जिसकी हम बात करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने में लगा हुआ है, उसे भी अच्छे से पहचानिए। उसे जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, जो अली सीना ने लिखी है, अब तो बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है, उसे आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि हम इतिश्री की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे, तो जिन्हें नहीं मिल रहे एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।